देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त घर बनाए हैं धनंजय भाई। पिया हो परदेश में कैसे डो जरूज बरदास करेला टमाटर नियन गाल लाल लाल है। और धनंजय भैया के पापा जी बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोलू टुडे ब्लॉग्स में। दोस्तों हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहां पे आज जा रहे हैं, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों तो फाइनली हम धनंजय मक्कन जी के घर पे पहुंच चुके हैं, जो है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो न्यू वाला घर अभी बना है। और दोस्तों इस साइड जो देख रहे हैं ये वाला ये पुराना वाला घर है धनंजय भाई। देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त घर बनाए हैं धनंजय भाई। चलिए उनके घर पे डायरेक्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों अंदर से कुछ इस टाइप से व्यू है इनके घर का। देखिए अभी नीचे प्लास्टर हो रहा है, अभी काम जारी है। देखिए और धनंजय भैया के पापा जी बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों हम ट्रैक्टर पे चढ़ चुके हैं और इसी तरह इनसे हम पता करते हैं धनंजय भाई के बारे में। धनंजय भाई कैसे मतलब आज आसमानों को छू रहे हैं। दोस्तों देखे ही है इनका घर किस टाइप का है, पुराना वाला। और अभी जो देखिए घर कितना मतलब मस्त बनाए हैं घर। दोस्तों देखिए कितना मतलब संघर्ष करके अब बहुत ही कम उम्र में आज आसमानों को छू रहे हैं धनंजय भाई। दोस्तों ये मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जिस हम ट्रैक्टर पे अभी खड़े हुए हैं और ये धनंजय भाई के छोटे भाई बैठे हुए हैं, दोस्तों ये ट्रैक्टर भी धनंजय भाई के ही है। और दोस्तों 2 महीना पहले धनंजय भाई किया का वो गाड़ी लिए हैं। दोस्तों वो गाड़ी ये बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आप लोग उसका दाम आप लोगों को मालूम ही होगा कितना का है। दोस्तों अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट इनके भाई से धनंजय भाई के बारे में पता करते हैं। अब बताइए धनंजय भाई के बारे में, शुरू में वो धनंजय भाई क्या करते थे जब वो 5वां क्लास में थे? पढ़ाई किए हैं ना धनंजय भाई? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं हम दोनों भाई। पहले एक साइकिल पे बैठ के जाते थे पढ़ने। भैया थोड़ा उस लाइन में ज्यादा एक्टिव थे, रुचि थे डांस वगैरह सिंगिंग। क्लास में भी अंतराक्षी में खूब गाना गाते थे। और क्या हुआ कि हमारे गांव का ही एक आदमी स्टूडियो खोले। हम लोग स्टूडियो जानते भी नहीं थे क्या होता है स्टूडियो। अच्छा स्टूडियो कहाँ पे खुला था? मेरे गांव में है, ललबिगिया गांव में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भैया गए, वो देखे उनके 2-3 दिन की कैसे कोई गाता है, कैसे माइक हेडफोन लगाता है, कैसे ट्रैक पकड़ा जाता है। एक बार भैया की जो कि एक गाना गाए, एक बार ट्राई लिए और उनका एक बार में बढ़िया वोकल वगैरह सब कुछ हो गया, एक बार में पकड़ लिए। अच्छा अच्छा। उसी समय से मन में लाला सुकर हुआ कि हाँ गाना गाया जाएगा। और वहाँ का लोगों भी बढ़ावा दिया कि बाबू तू गाना गाओ बहुत अच्छा था, एक्टिंग वगैरह था। भैया उसी समय से गाना गाते गाते गाना क्लिक हो गया और हिट हो गया। अच्छा सबसे पहले उनका गाना कौन सा ये वायरल हुआ था? पिया हो परदेश में। अच्छा लगभग वो जो एल्बम आया था पिया हो परदेश, उसमें जितना भी 6-7 गाना था वो सारा गाना ही मतलब बजा था उस समय। उस समय का एल्बम में पूरा हिट था। 2018 में ना वो गाना ये निकला हुआ था? 2018 में। अच्छा वो गाना थोड़ा सा आप सुना सकते हैं? काहे नहीं भाई, हम काहे नहीं सुना सकते हैं भाई। सिंगर का भाई है तो सिंगिंग भी जरूर और गाते भी हैं। पिया हो परदेश में कैसे डो जरूज बरदास करेला अवेला जब घरे लगेला रुज करे ना कहियो उपास सुतेला ना कहियो उपास सुतेला। राजा हो परदेश में कैसे डो जरूज बरदास करेला। और एक और गाना है जो हम उनके गाना को हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। टमाटर नियन गाल लाल लाल है, क्या तेरा चेहरा कमाल है। अच्छा अभी धनंजय भाई कहाँ पे हैं? भैया जी अभी दिल्ली में है, दिल्ली में अपना काम और कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनसे बातचीत कब हुई थी आपको? भैया है जब काम पड़ा था बात कर लेते हैं, इसी तरह बेकाम के नहीं करते, जब काम पड़ता है तो हाँ भैया ही काम है उनका। अच्छा घर पे अब कब आने वाले हैं? घर पे आएंगे, उनका कोई गारंटी नहीं जाता है, घर पे काम से आते हैं, इसी तरह नहीं जाते काम दिल्ली में। अच्छा छठ में आएंगे? शायद हो सके छठ में आएंगे सर। अरे भाई है कि जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं, ब्लॉग बनाते बनाते बहुत अच्छा लगा। भाई के ब्लॉग आपका नाम क्या है ब्लॉग का? गोलू टुडे ब्लॉग्स। गोलू टुडे ब्लॉग्स है, भाई के ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का ब्लॉगिंग देखने के लिए भाई कहाँ कहाँ जाते हैं क्या करते हैं इनको सपोर्ट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।